जी अस्सलाम वालेकुम, CFAP 6 लेक्चर 1। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर बेसिकली हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर है। इसमें हम ऑडिट के हवाले से कोई टेक्निकल कंसेप्ट डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे आपने उनको पूरे सेशन में फॉलो करना है, ठीक है जी। अच्छा, मुझे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस अटैम्प्ट में, यानी जो हमारी समर 24 वाली अटैम्प्ट है, इसमें ये ऑडिट का पेपर देना है? शाबाश, यानी 50% के लगभग स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इस अटैम्प्ट में पेपर देना है, ठीक है। आज की क्लास में कुछ थोड़ा प्लान आपके साथ शेयर करूंगा किस तरीके से हम चलेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो CFAP की प्रिपरेशन है या CFAP की कोचिंग है, ये डिफरेंट है कैफ लेवल से। कैफ लेवल में पढ़ना भी आसान होता है और पढ़ाना भी आसान होता है। अच्छा भाई, ये चाय लेके, हाँ शाबाश, जज़ाक अल्लाह। अच्छा, 15-20 मिनट लगना बाकी स्टूडेंट्स के लिए। तो कैफ लेवल पे पढ़ना भी आसान होता है, पढ़ाना भी आसान होता है। कैफ लेवल पे आपके लिए आप फुल टाइम स्टूडेंट होते हैं, CFAP लेवल पे आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। आपके पास पढ़ाई के लिए टाइम निकालना भी मुश्किल होता है, तो इसमें आपने एफिशिएंट स्टडी की तरफ चलना है, यानी कोशिश ये करनी है टाइम वेस्ट कम से कम हो, ठीक है। और लेक्चर के दौरान में वक्तन फ़क्तन आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता रहूँगा, आपने ख़ुद भी कोशिश ये करनी है कि ऑन जॉब भी अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत टाइम मिलता रहे उसको स्टडीज़ के लिए यूटिलाइज़ करते रहे। मतलब जॉब आपकी इफेक्ट ना हो, ये ना हो कि स्टडीज़ की वजह से जॉब इफेक्ट हो रही है, लेकिन बाज़ का दरमियान में कुछ ब्रेक्स मिल जाते हैं, कुछ टाइम फ्री मिलता है, तो आपने उस टाइम को गपशप में ज़ाया नहीं करना, बल्कि कोशिश करनी है उसको किसी ना किसी तरीके से स्टडीज़ में यूटिलाइज़ करें। अच्छा, कुछ कॉमन क्वेश्चन है स्टार्ट में आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, एंड पे मज़ीद अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ लीजिएगा। पहला, कि क्या ये CFAP 6 पेपर पास करने के लिए ऑडिट डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग होना ज़रूरी है? 1 वर्ड आंसर है इसका, नो। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर मैं आपसे ये पूछूँ क्या टैक्स का पेपर पास होने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस होना ज़रूरी है, वो नहीं है। इसलिए कि प्रैक्टिस थोड़ी डिफरेंट होती है, जो थ्योरी है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। बहरहाल, ऑडिट के पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, पास करने के लिए ऑडिट डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग होना, आपके आर्टिकल्स ऑडिट डिपार्टमेंट में हो, ये लाजमी हरगिज़ नहीं है। आप किसी डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्री में भी अगर आप हैं, तो आप इन कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं और इनको अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं इस कोर्स को स्टडी करने के लिए? एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कैफ लेवल पे भी ऐसा होता था, कैफ 8 में भी आपने देखा होगा, क्या कैफ 8 में अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट अप्लाई होते थे? बिल्कुल, अकाउंटिंग के कंसेप्ट अप्लाई होते थे। उसी तरह क्या कुछ कंपैरेटिवली कम, लेकिन क्या कंपनी ला के कंसेप्ट भी अप्लाई होते थे कैफ 8 में? आपके अंदर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती थी, हमारे प्रोफेशन पर अप्लाई होते थे। उसी तरीके से CFAP 6 के पेपर में भी अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स भी टेस्ट होंगे और किसी हद तक लॉ के कंसेप्ट्स भी टेस्ट होंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, दोनों कंसेप्ट टेस्ट होंगे। असल में हमारा जो एक कॉमन रिक्वायरमेंट होती है एग्जाम क्वेश्चन में, वो होती है इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। और आपको पता है इम्प्लीकेशन और रिपोर्ट में एक अहम इम्प्लीकेशन होती है, हमने केस स्टडी में ये डिसाइड करना होता है कि ये मिस स्टेटमेंट बन रही है कि नहीं बन रही। अब कोई भी आइटम मिस स्टेटमेंट बन रही है या नहीं बन रही, ये डिपेंड करता है आपके अकाउंटिंग नॉलेज के ऊपर, ठीक है। और इसलिए इस कैफ, ये CFAP 6 को अटेम्प्ट करने के लिए, जिस तरह कैफ 8 को अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी होता था कि आपने अकाउंटिंग पढ़ी हो, उसमें FAR 1 पढ़ी हो, FAR 2 लाजमी नहीं होता था, वो चाहे तो पढ़ी हो तो बेहतर है, ना पढ़ी हो तो प्रॉब्लम कोई नहीं। लेकिन CFAP 6 के लिए ज़रूरी है कि या तो आपने CFAP 1 का कोर्स ऑलरेडी पढ़ा हो या साथ पढ़ रहे हो, ये ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा सा रिस्की हो जाता है अगर आपने साथ कोर्स नहीं पढ़े, CFAP 6 पढ़ रहे हैं लेकिन CFAP 1 जो है वो साथ नहीं पढ़ रहे, थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। इन दी सेंस कि आपको, देखें, सब्जेक्ट का टीचर सब्जेक्ट में जो कंसेप्ट अप्लाई होते हैं ना, यूज़ होते हैं। कैफ 8 में भी मेरी आदत थी और बाकी टीचर्स भी ऐसे करते हैं कि अगर कोई कंसेप्ट
CFAP में अकाउंटिंग का या लॉ का टेस्ट होना है ना, तो वो हम लोग डिस्कस ज़रूर करते हैं, यानी वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि अगर कोई भी दूसरे सब्जेक्ट का कंसेप्ट या नॉलेज हमारे इस सब्जेक्ट में टेस्ट हो रहा है तो वो हमने डिस्कस कर, हम ये अज्यूम नहीं करते कि स्टूडेंट ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। बहुत से स्टूडेंट ने हो सकता है वो कंसेप्ट ना पढ़ा हो, उनकी इतनी ग्रिप ना हो, या पढ़ा हो तो भूल गए हो। तो CFAP में भी ऐसा होता था कि अकाउंटिंग का या लॉ का कंपनी लॉ का जो कंसेप्ट यूज़ होता था वो हम पढ़ाते थे। लेकिन अगर आपने वो सब्जेक्ट पहले पढ़ा हुआ है वो कंसेप्ट, तो आपके लिए पिक करना आसान होता था, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए CFAP 6 के जो कंसेप्ट हैं, जो काउंटिंग का नॉलेज यूज़ होगा, लेकिन इसका इतना मतलब ये मतलब नहीं है कि 50% नॉलेज काउंटिंग का यूज़ होगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें काउंटिंग का नॉलेज यूज़ होता है, वो अगर आपने ऑलरेडी CFAP 1 कोर्स स्टडी किया हुआ है या साथ कर रहे हैं तो आप आसानी के साथ उसको समझ आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, मेरी कोशिश ये होगी कि वो जो भी काउंटिंग का कंसेप्ट है उसकी समरीज बना के आपके सामने रख दूँ। याद रखें, यहाँ पे कैलकुलेशन टेस्ट, काउंटिंग का नॉलेज टेस्ट होगा, कैलकुलेशन टेस्ट होगी। कैलकुलेशन का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर आप मेरे से पूछें ना कि सर ये बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, ज़रा कैलकुलेट करके दिखाएं, मैं शायद काउंटिंग रूल्स के मुताबिक उसको कैलकुलेट ना कर सकूँ, और साथ राज हुआ स्टैंडर्ड बढ़ा है। लेकिन उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो मुझे पता होगी, ठीक है। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है, रीवैल्यूएशन की जजमेंट है, मुझे इतना पता है रीवैल्यूएशन स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि नहीं करता, और जब अलाउ करता है तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी क्या कंडीशन है, कुछ डिस्क्लोजर्स क्या हैं। लेकिन अगर आप मुझसे CFAP 1 का रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन मेरे सामने रख देंगे ना कि सर इसको ज़रा न्यूमेरिकली सॉल्व करके दे, मैं नहीं कर पाऊँगा। याद रखिए, CFAP 6 में कैलकुलेशंस वो टेस्ट नहीं करता नॉर्मली, वो आपका काउंटिंग का नॉलेज ज़रूर टेस्ट करेगा। इसीलिए जो आपका काउंटिंग का नॉलेज ज़रूरी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन बेहतर यही है कि CFAP 1 या तो आप पढ़ चुके हों या साथ पढ़ रहे हों, ठीक है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कुछ रेयर स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने ना अभी पढ़ा है और ना ही पढ़ रहे हैं और उन्होंने ऑडिट पढ़ा, तो याद रखिए पेपर अटेम्प्ट करने से पहले ज़रूर पढ़ लेना। आपने CFAP 6 का पेपर CFAP 1 पढ़े बगैर अटेम्प्ट नहीं करना। कोचिंग क्लासेस लेना डिफरेंट है, इस बैच में सर CFAP 6 ले ले, बाद में CFAP 1 ले ले, रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा करता है तो उसे CFAP 6 में थोड़ी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन बहरहाल पेपर अटेम्प्ट करने से पहले उसने क्लासेस ज़रूर ले लेनी है। ये बात क्लियर हो गई। तो रिकमेंडेड क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है इस कोर्स का, CFAP 1 या तो पढ़ा हो या पढ़ रहे हो साइमल्टेनियसली, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी कोर्स मेथोडोलॉजी एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कम्प्लीशन। देखें, जैसा क्लास में मैंने आपसे पूछा, तकरीबन 50% के करीब स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने समर 24 में अटैम्प्ट करना है ये पेपर। इसका मतलब है डेफिनेटली हमारा कोर्स कम्प्लीट होना चाहिए उससे कम अज़ कम एक महीना पहले। तो जो हमने एक्सपेक्टेड डेट रखी है कम्प्लीशन की, वो रखी है 30 अप्रैल, ताकि मई का महीना आपके पास हो रिवीजन वगैरह करने के लिए, और जून के फर्स्ट वीक में जो स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करना चाहते हैं वो उसको अटैम्प्ट करें। हाँ, मेथोडोलॉजी, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, अब मैं डिटेल मेथोडोलॉजी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम इस कोर्स को किस तरीके से लेके चलेंगे। कैफ लेवल पे क्या होता था पहले मुझे ये बताइए। कैफ लेवल पे होता ये था, हमारे पास टाइम सिलेबस कम होता था, आपके पास पढ़ने का टाइम ज़्यादा होता था, फुल टाइम स्टूडेंट होते ना वहाँ पे, वहाँ पे आप बड़ी आसानी के साथ डेली क्लासेस के बाद, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो सीए का एवरेज स्टूडेंट है वो 6 से 7 घंटे आसानी से पढ़ लेता है, ऐसा ही है क्या? CFAP में आपके साथ ये नहीं होने वाला। CFAP में आपके पास हर रोज़ 2 घंटे भी पढ़ने को मिल जाए ना डेली बेस पे, बहुत है, बहुत है आपके लिए, 2 घंटे निकालना भी मुश्किल होगा, ठीक है, आपके पास टाइम। और फिर क्लास लेने के लिए आना, ये भी एक आपको पता है एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। ऑनगोइंग जॉब से पहले या बाद में, जाहिर आप 8-9 घंटे की ड्यूटी करके जब आप आ रहे होते हैं, उसके बाद शाम में अगर क्लास है तो आप फुली एग्जॉस्ट हुए होते हैं, मॉर्निंग में वैसे उठना मुश्किल होता है। तो क्लास लेना भी मुश्किल काम है, और फिर उसके बाद डेली पढ़ना, उसकी प्रैक्टिस करना,
ये उससे ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन आपने ये काम करना है, इसको मैनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कैफ में हमारा तरीकाकार क्या होता था, हम कंसेप्ट डिलीवर करते थे, आपको डेली होम असाइनमेंट्स दिया करते थे, होम असाइनमेंट मिला करते थे, होम असाइनमेंट अटेम्प्ट करते थे, अगले दिन चेक हुआ करते थे, रूटीन के साथ इस तरीके से चलता था। सीफैप में चूंकि आपके पास टाइम कम होगा, हमारे पास नंबर ऑफ लेक्चर्स भी कम है, हमारे टोटल एक्सपेक्टेड कोई 45 to 50 के करीब लेक्चर्स होंगे, हफ्ते में 3 लेक्चर होंगे, एक लेक्चर की जो इफेक्टिवली ड्यूरेशन होगी वो 1 घंटा 45 मिनट के लगभग होगी, 2 घंटे का लेक्चर है कुछ अब नॉर्मल लॉस बल के कॉलेज को, उसकी वजह से ड्यूरेशन कम हो जाती है, 1 घंटा 45 मिनट के लगभग हमारा लेक्चर होगा, और अप्रॉक्सीमेटली इफेक्टिवली जो आवर्स होंगे हमारे पास 90 आवर्स होंगे, लेक्चर 45 के लगभग होंगे और आवर्स जो होंगे वो 90 आवर्स होंगे, और इसमें सिलेबस जो है वो आपका कैफ लेवल से कुछ समझ लीजिए 4 गुना ज़्यादा है, 3 से 4 गुना ज़्यादा है। करना क्या होगा, अब डिफरेंट कैसे हैं ये कैफ से, पहला डिफरेंस सिलेबस ज़्यादा है, आवर्स कंपैरेटिवली कम है, इसकी वजह से हमें क्विकली कंसेप्ट्स को कवर करना पड़ेगा, यानी ऐसा नहीं है कि एक एक कैफ में क्या होता था, एक चैप्टर है उस पर कोई 3-3, 4-4, 5-5 दिन वो एक चैप्टर जो है उसको डिस्कस कर रहे होते, सीफैप लेवल पे एक लेक्चर के अंदर एक स्टैंडर्ड कवर करना ज़रूरी होता है। हाँ, कुछ स्टैंडर्ड ऐसे ज़रूर होंगे जिन पे ज़्यादा लेक्चर हो सकता है, 2 लेक्चर लग रहे हों, लेकिन ऑन एवरेज नॉर्मली एक समझ लीजिए एक चैप्टर जो है ना, कैफ लेवल की लैंग्वेज में अगर बात करूँ, एक लेक्चर में एक चैप्टर कवर करना ज़रूरी है। तो एक तो आपने ये माइंडसेट अपना बना के आना है कि कैफ की तरह सीफैप में ऐसा नहीं होगा कि हर चैप्टर या हर टॉपिक जो है वो 3-3, 4-4 दिन चल रहा होगा, ऐसा नहीं होगा, कंसेप्ट्स क्विकली आगे चल रहे होंगे। लेकिन जहाँ पे प्लस पॉइंट हमें ये मिलेगा कि तकरीबन 50% हमारा सिलेबस ऐसा है जो कि कैफ में आप बेसिक लेवल के हैं, यानी अगर आप सिलेबस देखेंगे ना सीफैप का, उसमें आपको टिक करेंगे कैफ के साथ कंपेयर करें, 50% के करीब सिलेबस आपका कैफ वाला है। लेकिन याद रखें, इसका ये मतलब नहीं है कि आज ही आप ये समझ लें कि आपने 50% सिलेबस कवर कर चुके हैं, नॉलेज वही है, एप्लीकेशन उसकी एडवांस लेवल पे टेस्ट होगी, नॉलेज कैफ लेवल का है 50%, यानी अगर टोटल सिलेबस देखें 50% कैफ लेवल पे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, 50% नहीं है, जो कैफ लेवल पे टॉपिक कवर हो चुके हैं भी एडवांस लेवल पे टेस्ट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपने इस माइंडसेट के साथ आना है कि एक क्लास में एक स्टैंडर्ड हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हुआ करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपको उसकी कुछ प्रैक्टिस करवाई जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक, 1, 2, 3 डिपेंड करता है स्टैंडर्ड के ऊपर, छोटा स्टैंडर्ड का बड़ा स्टैंडर्ड, 1, 2 या 3 क्वेश्चन हर क्लास के एंड में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं और आपको ये बताऊं कि हमने किस तरीके से इसको प्रेजेंट करता है, जिस तरह कैफ लेवल पे होता था ना कि एक एक लफ्ज़ को हम पढ़ते थे, उसको हम उसके मीनिंग को वैल्यूएट करते थे, ये लफ्ज़ क्वेश्चन में आ गया इसका क्या इम्पैक्ट होगा, स्टाइल इंशाल्लाह हमारा वैसा ही होगा, ठीक है। यानी बेसिक जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो हमारी कैफ वाली होगी, लेकिन सीफैप में चूंकि नंबर ऑफ लेक्चर कम, सिलेबस ज़्यादा है, क्विकली फॉरवर्ड होगा हमारा सिलेबस, आगे क्विकली बढ़ रहा होगा, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, क्लियर जी। नेक्स्ट हमारा स्टडी मटेरियल क्या होगा, स्टडी मटेरियल में 3 चीज़ें, ISS, कैफ लेवल नहीं पढ़ते थे, CFAP लेवल पे भी नहीं पढ़ेंगे, आपको शेयर ज़रूर करूँगा, आपको चंद एक स्टैंडर्ड पढ़ने भी होंगे, आपको उनकी वर्किंग पता चल जाए, किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, कौन से पैराग्राफ है, रिक्वायरमेंट क्या क्या स्टेटस है, एप्लीकेशन पैराग्राफ वगैरह क्या होते हैं। CFAP 6 का पेपर पास करने के लिए, अच्छा ये मेरी जजमेंट है, मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है, ICAP का नहीं है,
आईकैप ये कहता है कि आप स्टैंडर्ड पढ़ें, लेकिन क्या मुझे बताइए काउंटिंग भी ओपन बुक है ना सीफैप लेवल पे? क्या अकाउंटिंग का क्वेश्चन जो सीफैप लेवल का अटेम्प्ट करते हैं क्या उसमें ओपन बुक स्टैंडर्ड काम आता है? कि उसका नॉलेज काम आता, बल्कि उल्टा बाजू का ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ ढूंढना शुरू करें ना वो मिलती नहीं है, टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो याद रखिए, असल मकसद स्टैंडर्ड रीड करना नहीं है, असल मकसद है उसके अंदर जो कंसेप्ट डिस्कस हुए ना वो आपको पता हो। एग्जाम में स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड के कंसेप्ट पूछेगा आपसे, ठीक है? तो आपको उसकी स्टैंडर्ड की सारी समरी जो है ना वो पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड क्या क्या रहा है, इस स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है, और ये स्टैंडर्ड में मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या है, और जो भी उसमें एप्लीकेशन में से कुछ एग्जांपल्स वगैरह दी होंगी वो एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए, उस एग्जांपल की इम्प्लीकेशन की एप्लीकेशन क्या वो पता होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मेरा काम क्या होगा कि स्टैंडर्ड में से उसकी समरी निकाल के, उसने जो उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं वो निकाल के, ठीक है, उसकी समरी आपके सामने रख देनी है। आपने याद करना है उस समरी को, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद अगर कोई आप में से एडिशनली खुद से स्टैंडर्ड को पढ़ना चाहे, मैं रुकूंगा नहीं, पढ़ सकता है अगर टाइम है, लेकिन मेरा ये ख्याल है जिस स्टूडेंट के 6 महीने बाद पेपर है ना वो स्टैंडर्ड इस सेशन में नहीं पढ़ सकता, पढ़ेगा तो टाइम वेस्टेज होगी, ठीक है? अगेन ये अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, कुछ दूसरे प्रोफेशन का ओपिनियन डिफरेंट हो, लेकिन अपना ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने स्टार्ट में स्टैंडर्ड नहीं पढ़ने, अव्वल तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हो तो कब पढ़ने हैं, जब किसी स्टैंडर्ड के ऊपर लेक्चर हो चुका होगा, उसके नोट्स आपको मिल चुके होंगे, आप नोट्स याद कर चुके हैं, और फिर उसके पास पेपर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये सारी तीनों चारों चीज़ें करने के बाद आप इस काबिल होंगे, स्टैंडर्ड में अगर कोई पैराग्राफ पढ़े ना तो उसकी ऊंच नीच आगे पीछे आपको पता होगा ये कहाँ से शुरू हुआ था, डिस्कस क्या कर रहा है और इसका मतलब क्या है। ये चीज़ें करने के बगैर स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा बात क्या कर रहा है, उसने शुरू कहाँ से किया और आगे जाके ख़त्म कहाँ करेगा। इसीलिए स्टैंडर्ड आईकैप आपको जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए, आईएसएस है, कोड ऑफ एथिक्स है, और आईकैप की बुक है स्टडी सपोर्ट मटेरियल के नाम से, ये बुक है, और पास्ट पेपर्स हैं। इनमें हम कोड ऑफ एथिक्स को यूज़ करेंगे, आईकैप का स्टडी सपोर्ट मटेरियल बुक जो है उसमें से क्वेश्चन या एग्जांपल्स मैं निकालूंगा, पास्ट पेपर हमारा सबसे बड़ा फोकस होगा, ठीक है? स्टैंडर्ड, कोड ऑफ एथिक्स, आईकैप की बुक, इन तीन चीज़ों को मैं पढ़ के आपके साथ नोट्स बना के शेयर करूंगा। पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस वो आपने करनी है, नोट्स पढ़ के पास्ट पेपर, ये काम करने के बाद चाहे स्टैंडर्ड पढ़ना चाहे स्टैंडर्ड पढ़े, आईकैप की बुक पढ़ना चाहे वो पढ़े, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, वो एडिशनल है आपके लिए। क्लियर होगी ये मैथडोलॉजी? यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लिया, आगे चलने से पहले कोई क्वेश्चन जो ध्यान में आ रहा हो। कैफ में जैसी बुक है वैसे सीफैप में नहीं है, सीफैप में नोट्स की शक्ल में है। इस सेशन में मेरा इरादा तो है, लेकिन एक दफ़ा ये कोई 2-3 महीने गुजरने के बाद ही वो बुक की शक्ल में आएगी, क्योंकि उसमें जब भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ तो नोट्स कंप्लीट है, तो मेरे जहन में आ जाता है खैर इस तरह हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ये चीज़ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? तो मैं उसमें फिर और सीफैप लेवल पर वो चेंज भी ऐसी होती है कि मुझे लगता है हमें, तो मैं उसके लिए फिर थोड़ा सा मज़ीद टाइम ले लेता हूँ। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि कुछ होता ये था, मतलब एक बेसिक मैं आपको रीज़न बता दूँ क्यों मैं पब्लिश कर रहा। इस वक्त जो नोट्स हैं ना, जो इस वक्त उसमें आईएसएस की डेफिनेशन लिखी हुई है वो तकरीबन एज इट इज़ लिखी हुई है, यानी उन्हीं अल्फाज में। डेफिनेशन वगैरह आपको पता है किसी भी जगह पर जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो लॉज होते हैं, कंसेप्ट के साथ हम ऊंच नीच कर सकते हैं, डेफिनेशन को एज इट इज़ रखना पड़ता। लेकिन जब मैंने देखा कि आई कैफ तो डेफिनेशन वगैरह पूछ ही नहीं रहा। अब देखें कैफ लेवल पे हम बच्चे को क्या करते हैं, एक बल्कि आपके सवाल से मुझे एक और फ़र्क जहन में आ गया। कैफ लेवल पे आपका होता है तकरीबन 30-40% रटे वाले सवाल और 60-70% होता है केस स्टडीज़। सीफैप लेवल पे 100% केस स्टडीज़ होंगी। इसीलिए हमारा फोकस कभी भी मेमोराइजेशन की तरफ नहीं होगा। अब जब मैंने देखा कि ये कुछ टर्म्स है, जैसे ऑडिट रिस्क है फॉर एग्जांपल, जैसे बिजनेस रिस्क है, अब जब इस तरह की टर्म्स हमने नोट्स में लिखी ना
तो मैंने स्टैंडर्ड को सामने रखा, उसकी डेफिनेशन उठाई, उसमें थोड़ा बहुत जो कांड शांड करने थे की, और वो डेफिनेशन स्टूडेंट के सामने रख दी, और डेफिनेशन फिर भी 3 लाइनों की बन गई। हालांकि प्रैक्टिकली उस कंसेप्ट को 4 अल्फाज में भी लिखा जा सकता था, लेकिन मैं 3 सेंटेंस बन गए। फिर जब मैंने थोड़ा सा पास पेपर्स को देखा, मैंने कहा ये तो पूछेगा भी नहीं, और जो कंसेप्ट पेपर अटेम्प्ट करने के लिए चाहिए रिस्क असेसमेंट के लिए, वो इन अल्फाज से डायरेक्टली सामने नहीं आ रहा। क्योंकि बहरहाल स्टैंडर्ड लिखे गए प्रैक्टिशनर्स के लिए, स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए नहीं लिखे गए। तो इससे फिर मैंने, मुझे ये एक आइडिया मेरे जहन में आया कि डेफिनेशन तो उसने पूछनी भी नहीं है, और अगर पूछेगा भी, स्टैंडर्ड आपके पास होंगे, उसको खोल के स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख दे। तो मुझे उन डेफिनेशन को कंसेप्चुअल वर्ड्स में बताना चाहिए, चाहे वो अल्फाज स्टैंडर्ड में इस्तेमाल हुए हैं चाहे नहीं। भाई फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको इस काबिल बनाना, इस काबिल नहीं बनाना कि आप स्टैंडर्ड्स को पढ़ने और समझने के काबिल हों। मेरा मकसद ये आपको इस काबिल बनाना कि आई कैप का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी केस स्टडी दे दे, आई कैप के पेपर अटैम्प्ट करने के काबिल हों। तो पेपर अटैम्प्ट करने के लिए डेफिनेशन का रटा ज़रूरी नहीं है, उनका कंसेप्ट, वो कहना क्या चाहते हैं, उसको अप्लाई कैसे करना है, ये ज़रूरी। तो फिर मैंने रोक दिया, मैंने कहा अब ऐसा करते हैं, सारी डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं, उनको हम केस स्टडी में देखते हैं, टर्म्स केस स्टडी में कैसे यूज़ हो रही हैं, उसके मुताबिक उसको मीनिंग को, जो कि ऐसे अल्फाज जो उस मीनिंग को एलैबोरेट कर रहे हों, उस नॉलेज को जो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी है, वो अल्फाज इस्तेमाल हों। ये और इस तरह की कुछ और चेंजेज हैं, ठीक है, उसके लिए फिर मैंने लेकिन आपको नोट्स हर स्टैंडर्ड के स्टार्ट में मिलते रहेंगे, यानी कल जो हम इंशाल्लाह अपना पहला स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे, उसके नोट्स आपको स्टार्ट में मिल, क्लास में ही मिल जाया करेंगे, लेकिन वो इकट्ठे किताब की शक्ल में नहीं होंगे। आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगी कि आपको एक बॉक्स फाइल लेना पड़ेगी, और हर स्टैंडर्ड जो भी आपको नोट्स हों उस बॉक्स फाइल में लगाते जाए, वो एक तरह से आपकी बुक की मिलती जुलती शक्ल निकल आएगी। तो आज एक काम कीजिएगा कि बॉक्स फाइल आपने ले लेनी है, और बॉक्स फाइल के बाहर लिख लेना है CFAP 6। जो भी मटेरियल आपके साथ शेयर करूँगा आपने उसमें डालते रहना है, ताकि आपका इकट्ठे एक जगह पर अवेलेबल हो। कोशिश करूँगा सेशन एंड से पहले हमारी बुक कंप्लीट हो जाए। और की क्वेश्चन आगे चलते हैं जी। हाँ अच्छा, नेक्स्ट, अमूमी तौर पे पहले जो मैं ओरिएंटेशन इससे पहले सेशन में करवाया करता था, उसमें कुछ सिलेबस का ओवरव्यू और कुछ बेसिक कंसेप्ट भी स्टार्ट करवा दिया करता था। इस ओरिएंटेशन क्लास में स्टैंडर्ड की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि एक और सिग्निफिकेंट चेंज है जो आपको अफेक्ट करने जा रही है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वह जी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपको पता होगा ही कि आपका जो PRC है वो कंप्यूटर बेस्ड है, और MSA भी कंप्यूटर बेस्ड है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है दोनों में? शाबाश, PRC MCQ बेस्ड है और MSA MCQ बेस्ड नहीं है। इसका मतलब कि इसमें कोई टाइपिंग करनी पड़ती है? टाइपिंग करनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस होंगे टेक्स्ट की शक्ल में, कुछ में कैलकुलेशंस होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि MSA का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास एक होना चाहिए कंप्यूटर, पेन से ज़्यादा अहम क्या है? कंप्यूटर MSA का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, और हमारे टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मुराद तकरीबन 40 वर्ड्स पर मिनट के लगभग है, 30-40 के दरमियान में तो काम चल जाता है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके ऊपर हमें ग्रिप होनी चाहिए, मतलब काम आना चाहिए, और आना भी चाहिए जाहिर है। प्रैक्टिस में आपको पता है ये एक बेसिक टूल बन चुके हैं। अब कोई लेटर राइटिंग वगैरह आपने देखा होगा, जिस एनवायरनमेंट में आप काम करते हैं, बहुत कम ऐसा होता है, रेयर ऐसा होता है कि आपको कोई लेटर आपको लिखना हो या कोई लिखा हुआ आपके सामने आए और आपने उसको इंटरप्रेट करना पढ़ना हो। नॉर्मली काम ईमेल वगैरह के जरिए से इलेक्ट्रॉनिकली होता है। कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई प्रिपेयर करने हो वो अभी भी मैनुअल होते हैं, वरना हमारा बिजनेस जो कम्युनिकेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक।
तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, वर्ड और एक्सेल की बेसिक स्किल्स होनी चाहिए। अब एमएससी में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था, आईकैप इसको कैप लेवल पे ला रहा है और मैं भी आने वाले वक्त में शायद कैफ लेवल पे भी लिया है। फिलहाल कैफ एग्जामिनेशन मैनुअल है जो सीफैप है उसके ऊपर आईकैप करंटली काम कर रहा है कि इसको भी हम कंप्यूटर बेस्ड कर लें। और रिसेंट अटेम्प्ट जो हुई है इसमें आपने देखा होगा दो पेपर ऐसे हैं जो आईकैप ने कंप्यूटर बेस्ड किया। उन कौन से दो पेपर हैं ज़रा देखें, आपको अपने इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है कि नहीं? लाउड टैक्स, शाबाश। और एक पेपर में कोई प्रॉब्लम भी आई थी थोड़ी सी, हाँ टैक्स वाले पेपर प्रॉब्लम भी आई थोड़ी सी, ठीक है। लेकिन बहरहाल ऐसा होता है, ये नेचुरल है। इसे अगर हम ये कहेंगे जी आईकैप ने मैनेज नहीं किया या इन्हें, फिर ऐसी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी याद रखें, जहाँ पे भी आप यूज़ करेंगे अनसर्टेनिटी होती है, टेक्नोलॉजी फेलियर इनहेरेंट होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर हमारा आईकैप ने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दो पेपर हमने कंप्यूटर बेस किए विंटर 23 में, समर 24 अभी तक कंफर्म अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने जब ये दो लॉन्च किए थे पेपर सीबी बेस, उस वक्त ये कह दिया था कि जो समर 24 अटेम्प्ट होगी इसमें सारे पेपर कंप्यूटर बेस्ड होंगे। तो आप लोग जो समर 24 में अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म, फिर बता कंफर्म होगा जैसे जैसे जाहिर है। देखें जो भी बातें मैं कर रहा हूँ वो एज ऑन टुडे की बेस, अभी तो आई के आपने समर 24 का सिलेबस भी शेयर नहीं किया, ठीक है। लेकिन एज प्रोफेशनल मुझे अंदाज़ा है कि आई कैप क्या कुछ चेंज कर सकता है, क्या कुछ नहीं चेंज कर, कितना कुछ चेंज कर सकता है। बहरहाल कंफर्म बाद में ही होगा, लेकिन उसकी बेस पे मैं आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ। जो भी बात आज के ओरिएंटेशन क्लास में शेयर कर रहा हूँ, अगर इसमें बाद में कोई रिवीजन आती है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन एज ऑन टूडे एक्सपेक्टेड यही है कि आपका जो समय 24 का एग्जाम होगा ऑडिट का, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, हमें उसके मुताबिक तैयारी करनी है, क्लियर। अच्छा, अब उस सिस्टम के रूल्स क्या होंगे ये जान लीजिए, लेकिन मैं वैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूँ, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जो जिनको टाइपिंग आती है या टाइपिंग स्पीड उनकी समझ लीजिए 30 या उससे ज़्यादा है? कितने स्टूडेंट हैं ज़रा मुझे बताइए, हाथ उठाइए। 30% के करीब ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको टाइपिंग टाइपिंग सीखना शुरू कर दें आज, आज से ही। छोटे मोटे ऑनलाइन देखें सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, उनके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। खास तौर पे ऐसे स्टूडेंट जिनकी समर 24 में अटेम्प्ट है, बाद में अटेम्प्ट वाले वो भी स्टार्ट कर दें, वो थोड़ा हल्की आंच में स्टार्ट कर दें, समर 24 वाले अच्छी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। वो जो PRC में बाज़ औक़ात ऐसे लिखते थे ना एग्ज़ाम में, वो एक उंगली के साथ या जो मैसेज के साथ टाइप करते थे, वो अब नहीं करने वाला, काम नहीं चलने वाला। तो क्या करना है आपने, टाइपिंग सीखनी शुरू कर दें। अच्छा, इस एग्जामिनेशन के इसके ऊपर एक वीडियो आईकैप ने शेयर की थी, आपके प्रोबेबली अकाउंट में भी जो आईकैप वेबसाइट पे अकाउंट है आपका उसको एक्सेस करें, उसमें भी आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी शायद गालबन कहीं पे पड़ी हो। उसमें जो चीजें उन्होंने शेयर की थी कि किस तरीके से सीबी बेस्ड पेपर होंगे, सॉफ्टवेयर क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज की ओरिएंटेशन क्लास का एक बड़ा मकसद ये था कि चूंकि हमारा सिस्टम एग्जामिनेशन सिस्टम अब चेंज होने जा रहा है, तो आपको अंदाज़ा हो कि आपने तैयारी पहले दिन से अंदाज़ा हो कि क्या तैयारी किस तरीके से करनी है। ऐसा ना हो हम सारे सेशन में मैनुअली तैयारी करते रहें और आखिरी महीने में जाके आपको पता चले कि हमने तो कंप्यूटर पर पेपर देना है, इसलिए स्टार्ट में आपको बता रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, तैयारी करने के लिए नोट्स वगैरह बनाने के लिए आप चाहे कॉपी पेन इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड, इसलिए आपके जितने भी टेस्ट होंगे नोट्स आपको मैन्युअली मिलेंगे, मैन्युअली भी मिलेंगे सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे, लेकिन आपके जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड होंगे, ठीक है। टेस्ट आपका कोई भी मैन्युअली अब नहीं होगा, सारे के सारे टेस्टिंग प्रैक्टिस क्या होगी, कंप्यूटर बेस्ड। आई क्या क्या कहता है, कहता है भाईजान आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, कंप्यूटर बेस पे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि नया सिस्टम है ना, फेमिलियर होते थोड़ा टाइम लगता है,
भाई क्या आप कह रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ रिसोर्सेज दूंगा, ये नहीं होगा कि आपने उधर जाके जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर पे काम करना है कैसे करना है। पहले से आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की जाएगी, वो चीज़ें क्या शेयर की जाएंगी, एग्जाम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर होगा एक, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ पेपर अपलोड किए जाएंगे जिन्हें आई कैप ने कहा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। सॉफ्टवेयर एक सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है जिसमें आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, उसका अपना एक लेआउट है, हम सॉफ्टवेयर से मुराद क्या, उसका एक लेआउट कि क्वेश्चन किस तरीके से अपीयर होंगे, आपने किस तरीके से इनको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन क्या होगा वो एक लादा, वो प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन क्या होगा प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन किस तरीके से अपीयर होगा, आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, किस जगह पे वर्किंग करनी है, किस जगह पे उसको पेस्ट करना है, क्वेश्चन पेपर कहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, ये है सॉफ्टवेयर। आई क्या कहते हैं, हम आपको सॉफ्टवेयर की एक्सेस देंगे, उस सॉफ्टवेयर में कुछ प्रैक्टिस टेस्ट होंगे जो आप घर बैठ के अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार देख ताकि उसके साथ फेमिलियर हो जाए। समझ लीजिए ये डेमो है, आई कैप आपके साथ फर्स्ट और टू में क्या कर रहा है, डेमो शेयर कर रहा है। प्रैक्टिस टेस्ट आप कभी भी कहीं पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी CFAP 6 का आई कैप ने अवेलेबल कर दिया कि नहीं कर दिया या वो कब तक करेगा, इस बारे में मैं फिलहाल आज के दिन में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कंफर्म है कि आई कैप जब आपका CFAP 6 का पेपर कंफर्म अगर हो जाता है, जो कि प्रोबेबल होगा समर 24 में, उससे पहले आपके साथ शेयर ज़रूर करेगा ये चीज़ें। अभी तो उसने टैक्स और सील जो कॉरपोरेट लॉज हैं इसके लिए तो शेयर कर दी हुई है, ठीक है। CFAP 6 भी एग्ज़ाम से पहले शेयर ज़रूर करेगा आपके साथ, और फिर होगा मॉक एग्ज़ाम। मॉक एग्ज़ाम क्या है, मॉक एग्ज़ाम है आप आई कैप जाए, जिस आपने जब फॉर्म जमा करवा दिया, ये मॉक एग्ज़ाम सिर्फ वही स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई होगी उस पेपर की। रजिस्ट्रेशन करवाई, आपने कहा जी मैं मॉक भी देना चाहता हूँ, आई कैप आपको बुलाएगा और जिस तरीके से फाइनल एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से आपका मॉक कंडक्ट करवाया जाएगा। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और आप लोगों को इसे ज़रूर अटैम्प्ट करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो उसके बाद फाइनल एग्जाम से पहले आई कैप आपका एक मॉक कंडक्ट करवाएगा, वो मॉक CV बेस्ड होगा, आपने उसको ज़रूर अटेम्प्ट करना है। प्रैक्टिस टेस्ट में और मॉक एग्जाम में फ़र्क क्या है, प्रैक्टिस टेस्ट है आप घर में बैठ कहीं पे भी बैठ के कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। मॉक एग्जाम है आपका अंडर एग्जैक्टली ये सिमुलेशन है आपकी फाइनल एग्जाम की, उन्हीं सिचुएशन उन्हीं सर्कमस्टांसिस में जिन में आपका फाइनल एग्जाम होगा उन्हीं में मॉक कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त सेंटर बेस्ड होगा, एक होता रिमोट घर में बैठ के पेपर करना है, सेंटर बेस्ड होगा और उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने उस अटेंड में पेपर देना होगा, हर स्टूडेंट के बाकी स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा। फिर आई कैप क्या कहता है कि ये तो चीज़ें, ये वाली चीज़ें आई कैप ने आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड की है। आई कैप कहता है जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना उस दिन मैं आपके साथ तीन चीज़ें शेयर करूंगा। पहली चीज़ स्पेस, आपको बैठने को जगह दी जाएगी एग्जाम हॉल में। दूसरी चीज़ पावर सप्लाई, आपका जो भी लैपटॉप वगैरह होगा उसको पावर चाहिए, पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, ये आई कैप की जिम्मेदारी है। और तीसरी जिम्मेदारी है इंटरनेट प्रोवाइड करना। आई कैप ने किस लिए प्रोवाइड करना वाला, आपका जो पेपर होगा उनके किसी सेंट्रल लोकेशन पे हर एक मिनट के बाद सेव होता जाता है, हाँ ऑटो सेव की ऑप्शन होती है वर्ड में, तो इनके पेपर में ऑप्शन होगी हर एक मिनट के बाद, तो वो जिस सेंट्रल लोकेशन पे सेव होता है वहाँ कनेक्टिविटी के लिए कनेक्शन चाहिए, उसके लिए आपको इंटरनेट का कनेक्शन भी मिलेगा, उसके बगैर आपका पेपर सेव नहीं हो सकेगा, ठीक है। पेपर याद रखिएगा कितने अरसे के बाद सेव होता है, ऑटो, आप जो भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे हर एक मिनट के बाद ऑटो सेव होता, दरमियान में सेव करना चाहे वो भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है दरमियान, वो आप एरो होता है एरो को लेफ्ट राइट करेंगे जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है एक मिनट की। अच्छा ये इंटरनेट याद रखें सिर्फ और सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करने के लिए है,
साथ आप कोई वेबसाइट ओपन करना चाहें वो नहीं कर सकते। वेबसाइट वाला ना इधर पेपर वाला चैट जीपीटी ओपन करके पूछ लिया उससे क्या है, वो नहीं होगा। इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करने के लिए होगा, आप कोई वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकेंगे। हाँ ये छोटा फॉन्ट साइज बढ़ाने हुआ चले हैं, मुझे पता चल रहा क्या लिखा हो। आपसे क्या रिक्वायर्ड है? आई कैप ने आपको क्या कहा? आई कैप ने आपको सीबी एग्जामिनेशन होगा, कब से होगा? ऑडिट का समर 24। आई कैप इसके लिए आपको एग्जाम से पहले इसके तैयारी के लिए क्या क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा? एग्जाम से पहले क्या करेगा? सॉफ्टवेयर देगा, प्रैक्टिस सेट देगा और आपका एक मॉक कंडक्ट करवाएगा। एग्जाम वाले दिन जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, आई कैप आपको क्या रिसोर्सेज कमिट कर रहा है? स्पेस, इंटरनेट, पावर सप्लाई। आपने क्या अरेंज करना है खुद से? एक चीज, वो क्या है? लैपटॉप। लैपटॉप इसका फॉन्ट साइज देखते हैं, बड़ा हो जाता होगा। जी तो आपके लिए आई कैप क्या अरेंज कर रहा है? सॉरी ये कर हो गया। अब आपने क्या करना है? लैपटॉप होना चाहिए आपके पास एक, और एक ही लैपटॉप, ठीक है? टेस्ट आप अपने लैपटॉप पे करेंगे, आई कैप का कंप्यूटर नहीं होगा। उस लैपटॉप की कुछ स्पेसिफिकेशन भी है वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है? लेकिन वो सॉफ्टवेयर कोई बहुत ज़्यादा हाईटेक सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके लिए कोई ग्राफिक कार्ड वगैरह की ज़रूरत हो। नॉर्मली नॉर्मल लैपटॉप भी चलता है, लेकिन आई कैप की स्पेसिफिकेशन आपके साथ बाद में शेयर कर दी जाएगी। फर्म वाले लैपटॉप को आपने अवॉइड करना है। फर्म्स कुछ लैपटॉप देते हैं काम करने के लिए, मना नहीं, आप उसके ऊपर पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन बाज़ का तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं। आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते, USB अटैच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, बाज को तीसरा की सेक्शन होती है ना सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो इसीलिए आई कैप रिकमेंड करता है पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल कीजिए, फर्म का इस्तेमाल। और अगर आपने ऑफिस फर्म वाला लैपटॉप यूज़ करना है तो मॉक में एक मॉक के जरिए से थोड़ा टेस्टिंग जरूर कर लें। ये ना हो इक्का दुक्का केस इस तरह के सामने आए हैं लास्ट टाइम के स्टूडेंट गया चला है कि जी वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर जो है चल ही नहीं रहा एग्जाम वाला। तो उसके लिए आपने एक दफ़ा मॉक के ज़रिए अव्वल तो कोशिश करनी है खुद का लैपटॉप, वरना फर्म का यूज़ करना है तो एक दफ़ा मॉक के ज़रिए से गुजर जाएं। या फर्म में अगर आपके किसी सीनियर ने सीबी बेस पेपर दिया है सीफैप वाला, उसे पूछ लें, वो आपको बता देगा कि जी फर्म के लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर चल रहा है कि नहीं चल रहा। जो सीनियर था उनका भी ज़ाहिर एक्सपीरियंस होगा, उन्होंने प्रोबेबली अटेम्प्ट किया होगा, उनसे आप पूछ सकते हैं। आई कैप कहता है सेपरेट माउस या कीबोर्ड आप ला सकते हैं, ठीक है? जैसे मेरे अपने लैपटॉप का जो टच पैड है वो काम नहीं कर रहा, वो जब से लिया 10-12-15 दिन काम किया उसके बाद नहीं, तो अलग से मैं माउस के जरिए काम करता हूँ। बाज़ अवकात ऐसा होता है कि जी जो कीबोर्ड है लैपटॉप का वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होता, कुछ कुछ कीबोर्ड ऐसे होते हैं। तो आप अपना कीबोर्ड साथ ला सकते हैं, माउस भी ला सकते हैं साथ, मोनीटर साथ नहीं ला सकते। मोनीटर साथ वो साइमल्टेनियसली आपको अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ एक स्क्रीन अलाउड है और वो आपके लैपटॉप वाले हो गए। क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा ये अब थोड़ा मेरा ख्याल है कि फॉन्ट साइज कम है, लेकिन नज़र आ रहा होगा। मैं इमेज आपके साथ बाद में क्लियर इमेज आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये आपका जो एग्जाम सॉफ्टवेयर है उसका इमेज है। इसमें अगर आप देखें आपको तीन हिस्से नज़र आ रहे होंगे, ऐसे ही है। एक ये लेफ्ट साइड वाला, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। तीन हिस्से, एक दो, ये आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है। आई कैप की जो वीडियो थी उसमें से मैंने एक्सट्रैक्ट किया ये इमेज। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले होगा, क्वेश्चन नंबर, जैसे ये क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1,
ठीक है, पार्ट्स हैं तो वन का पार्ट ए पार्ट बी। यहाँ पे एक क्वेश्चन पैनल है, क्वेश्चन डिस्प्ले होगा पीडीएफ की शक्ल में, नहीं फिजिकल नहीं मिलेगा, फिजिकल नहीं मिलेगा। आई कैप ने कहा स्टार्ट में एक आधे अटेम्प्ट में शायद हम फिजिकल प्रोवाइड में भी, लेकिन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब उन्होंने प्रोबेबली आपको फिजिकल क्वेश्चन पेपर भी नहीं देंगे, और इसके अलावा आप कोई अगर नोटबुक्स वाला लाना चाहे कि सर मैंने कोई कैलकुलेशन करनी है उसके ऊपर मैनुअली, वो भी नहीं कर सकते। आपने जो वर्किंग करनी है वो भी यहीं पे करनी है, मुश्किल नहीं होगा, ये आसान है। ये जो कैलकुलेशन वाला एरिया ना यार, हमारे ऑडिट में तो इतनी कैलकुलेशन इस्तेमाल होती नहीं है, काउंटिंग के लिए बहुत आसान है। आपको कैलकुलेशन पढ़नी हो, इमेजिन कीजिए बजटिंग का क्वेश्चन करते हैं ना, कितनी कैलकुलेशन होती है। वही क्वेश्चन यहाँ पे करें, मेरा ख्याल है कम से कम 60% टाइम बचेगा 60 कैलकुलेशंस की वजह से। तो ये कैलकुलेशन वाला हिस्सा ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें कैलकुलेशन फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए हर नई चीज़ होती है ना, सीखने में टाइम लगता है, और बाय नेचर हम स्टेटस को मेरा सुकून में रहना पसंद करते हैं। नई चीज़ें जो होती हैं उनको सीखना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है, लेकिन अगर आप चीज़ें सीख लें एफिशिएंट है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा, भाई टाइपिंग नहीं आती, लेकिन मैं एज प्रोफेशनल, देखें मैं आई कैप का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, लेकिन एज प्रोफेशनल मुझे पता है हमारे स्टूडेंट को, मैंने अगर फर्ज कीजिए किसी से काम करवाना है, मैंने उसे कॉपी पेंसिल से काम नहीं करवाना, मैंने उसे जो भी काम दूंगा या जो भी उसे रिव्यू करवाऊंगा या जो भी उससे मैंने आउटपुट लेना है कंप्यूटर बेस्ड लेना है। तो ये ओवरऑल देखें, इसमें कुछ प्लस माइनस हैं ज़रूर, लेकिन ओवरऑल ये अच्छा सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात ये, जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है तो करना है तो मतलब करना है, सीखना है तो सीखना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो ये काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है आपका सॉल्यूशन वाला एरिया, आंसर टू क्वेश्चन वन। ठीक है, ऊपर आंसर लिखा, क्वेश्चन वन ने पार्ट ए बी सी डी पार्ट वाइज चलेगा, फिर क्वेश्चन वन टू थ्री, यहाँ पे वर्किंग है करंटली। ये आपका सॉल्यूशन वाला हिस्सा है, ये वर्किंग वाला हिस्सा है। आपने अगर यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा, कुछ लिखना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे लिखना शुरू कर देंगे। अगर कोई वर्किंग करनी है, यहाँ पे 2 × 3 = 6 करेंगे, कॉलम को पेस्ट करेंगे जैसे एक्सेल में होता है, पेस्ट करके कॉपी करेंगे, नीचे कंट्रोल सी किया, ऊपर कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट कर दिया, फिर आगे चले, इस तरीके से चलता जाएगा। आई कैप के पास जो आपका मार्किंग के लिए हिस्सा जाएगा ना, वो ये वाला हिस्सा जाएगा, ये वाला हिस्सा मार्किंग के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, आई कैप कहते हैं हम कुछ बात कर रहे हैं उनके साथ कि ये वाला हिस्सा भी मार्किंग के साथ अटैच हो जाए, जो भी वेंडर है, ताकि आपका अगर फर्ज कीजिए किसी ने, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या आती है, एक जब आप कॉपी करके पेस्ट करते हैं फॉर्मेटिंग उड़ जाती है, और जब उस फॉर्मेटिंग, अच्छा अब कुछ चीज़ें उस प्रेजेंटेशन में मुझे सही तरीके से जो आई कैप ने गाइडेंस दिया ना, कुछ समझ नहीं, क्लियर नहीं हुई। ठीक है, उनमें एक क्वेश्चन मेरे जहन में ये है, अगर हम फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट कर दिया, भाई फॉर्मेटिंग नहीं करते तो क्या मार्क्स डिडक्ट होंगे? मेरा ये ख्याल है मार्क्स डिडक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिगर्स अगर पढ़ी जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने वीडियो में ये रिकमेंड किया था कि जब आप एक्सेल से कॉपी करके वर्ड में पेस्ट करेंगे तो बॉक्स का जो साइज है, लेंथ विथ, वो आगे पीछे हो जाएगी। लेकिन उसमें पढ़ा जा रहा है कि क्या लिखा हुआ है, बस फर्क यह है कि किसी जगह पे अगर 10 डिजिट्स लिखे हुए हैं, किसी दूसरे कॉलम में 2 हैं, तो 10 वाले का साइज बड़ा होगा, 2 वाले का कम होगा, तो मेरे को उससे क्या टेंशन है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, अगर आप फॉर्मेटिंग ना भी करें तो भी मार्क्स आपको पूरे मिलने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली हम काम करते हैं तो आपको तो फॉर्मेटिंग एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे फिर जब आप एक्सेल वाले वर्किंग वाले एरिया से, इसे बेसिकली एक्सेल नहीं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि बाकायदा एक्सेल नहीं है, बहुत से फंक्शन ऐसे जो एक्सेल में इसमें काम नहीं करते, कॉपी करके ऊपर पेस्ट करते हैं, फॉर्मेटिंग थोड़ी आउट होती है, आसानी के साथ उसको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल इसमें टाइम लगता है। तो ये मैं आई कैप से कम्युनिकेशन करके पूछ लूँगा कि अगर बच्चा एडजस्ट नहीं करता, फॉर्मेटिंग नहीं करता, अपना टाइम सेव करता है अगले क्वेश्चन के लिए, तो क्या मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे? मेरी अंडरस्टैंडिंग है होने नहीं चाहिए। भाई ये समझ आ गया आपको, 3 हिस्से क्लियर। अच्छा, ये जब आप वर्किंग कर रहे होंगे कितने मिनट के बाद ऑटो सेव होगा? 1 मिनट के बाद। प्लस अगर आपने फर्ज कीजिए 20 सेकंड गुजरे और आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर दिया,
तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे या प्रीवियस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तब भी ऑटो सेव हो जाएगा, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ऑटो सेव करेगा और फिर आपको आगे लेके जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन में भी सेम डिस्प्ले होगा, इसी तरीके से चलता जाएगा। क्लियर? एक्सेल में उन्होंने सिर्फ कुछ ऑप्शन, 6 शॉर्ट कीज उन्होंने जो लिस्ट दी थी उसमें था कि कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जी, ये 6 शॉर्ट कीज चलेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी आपको सबसे हमारे लिए क्या होती है काउंटर्स के लिए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी वो चलेगी। बाकी जो एडवांस है जैसे कंट्रोल एफ है, ठीक है, वो प्रोबेबली शायद नहीं चलेगी। लेकिन याद रखें इस डॉक्यूमेंट्स में बाजू का ऐसे होता है, ये तो क्वेश्चन पेपर है ना, आई कैप आपको स्टैंडर्ड की भी एक्सेस प्रोबेबली देगा, ISS की डेफिनेटली एक्सेस देगा। तो जब आप ISS जो हैं उनको एक्सेस कर रहे होंगे, ओपन बुक है ना, ISS साथ लेके जाने हैं कि आई कैप सॉफ्ट कॉपी देगा, आई कैप सॉफ्ट कॉपी अरेंज करेगा, क्या करेगा? अब ये मैं जो पिछले 2 पेपर्स हुए हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आई कैप सॉफ्ट कॉपी अरेंज करेगा। उस सॉफ्ट कॉपी में भी आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंट्रोल एफ के जरिए से नहीं, अलहदा से उन्हें बॉक्स बनाया उसमें वर्ड एंटर करें, सर्च कीजिए। ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ रिसोर्सेज, अगर ओपन बुक एग्जामिनेशन है, आई कैप ने आपके साथ वो रिसोर्सेज शेयर किए होंगे, जैसे लॉ के पेपर उसने शायद कंपनीज एक्ट वगैरह शेयर किया स्टूडेंट्स के साथ, वो अलहदा से है, उसका टैब अलहदा खुलेगा। इस टैब में 3 हिस्से हैं, अगर कोई दूसरा स्टैंडर्ड वगैरह या कोई और रिसोर्सेज आई कैप ने आपको प्रोवाइड किए हैं वो अलहदा टैब में होंगे, अलहदा टैब में आप एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो ये है हमारा ओवरव्यू इस सॉफ्टवेयर का। हाँ, अगर आप एक्सीडेंटली फर्ज कीजिए इसको क्लोज कर देते हैं, है बाजू का ऐसा होता है ना, क्लोज हो गया, तो परेशानी की बात नहीं है, क्लोज करने से इसको, इस ब्राउजर को क्लोज करने से लॉग आउट नहीं होगा। ठीक है, आप दोबारा से ओपन करें, रिकनेक्ट करें, जहाँ से पेपर था वहाँ से शुरू करें, यानी बाजू का ऐसा फाइल में काम कर रहे हैं, क्लोज हो गई वो सारा काम ज़ाया हो गया, वो ज़ाया नहीं होगा। ठीक है, लॉग आउट करने के लिए, यानी जो आपका एग्जाम, फर्ज कीजिए जैसे जिसे कहते हैं ना, एग्जामिनर को पेपर दे दिया, एग्जामिनर को जब आप ये पेपर देना चाहते हैं एंड पे जाके आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, वो बटन लास्ट में प्रेस करेंगे फिर लॉग आउट होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर? ये सारी अंडरस्टैंडिंग है मेरी इस प्रेजेंटेशन की बेस पे। डेफिनेटली जब ये सॉफ्टवेयर आएगा मैं इसमें खुद भी एक दफ़ा इसमें एग्जाम दे के इसकी जो ऊंच नीच होगी मजीद आपके साथ ज़रूरी हुई जो बातें शेयर करना मैं शेयर कर लूँगा। तो क्लियर हो गया आपको, CB बेस पेपर होने जा रहा है, CB बेस में जो फीचर्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए मैंने, जो एक ओवर अवेलेबल था वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जी। इसके बाद आगे चलते हैं, हाँ ये वही फीचर्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, क्विकली आपके साथ एक दफ़ा फिर शेयर करता हूँ, कोई चीज़ आके अगर रह गई हो वो डिस्कस हो जाए। ISS क्या अवेलेबल होंगे? बिल्कुल अवेलेबल होंगे, आई कैप आपके साथ ISS शेयर करेगा। ठीक है, ओपन बुक है ना, रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या सजेस्ट किया है, आपने इस तरफ नहीं जाना, यानी आपके पास उस ISA के अंदर जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपके जहन में होने चाहिए। ये PDF फॉर्मेट सर्चेबल होगा, हाईलाइट नहीं कर सकते आप इसको। अब ऐसा नहीं है घर में आपने ISA की सॉफ्ट कॉपी पे काम कर रहे हैं, हाईलाइट कर लिया, कमेंट्स वगैरह डाल दिए, वो कॉपी नहीं चलेगी, आई कैप आपको प्रोवाइड करेगा। और इवन जो आई कैप कॉपी प्रोवाइड करेगा उसको भी आप हाईलाइट नहीं कर सकते, सिर्फ सर्च कर सकते हैं कोई टर्म, ठीक है जी, कि मटेरियल अनसर्टेन कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। कोड ऑफ एथिक्स आई कैप प्रोवाइड करेगा कि नहीं, ये भी क्वेश्चन मार्क है, मुझे इस बारे में कंफर्म नहीं, आई कैप कंफर्म करेगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ आई कैप ने सॉफ्ट बेसिक जो रिसोर्स है ना वो तो आई कैप शेयर कर रहा है। जैसे एक स्टूडेंट ने इस प्रेजेंटेशन के दरमियान में एक क्वेश्चन पूछा था, गालबन टैक्स में भी कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, तो उनका जी टैक्स में क्या कोड ऑफ एथिक्स भी तो होते हैं, उसमें आप कोड ऑफ एथिक्स की कॉपी प्रोवाइड करेंगे? तो जो उनका रिप्लाई था वो था कि नहीं। ठीक है, बहरहाल लेकिन ऑडिट के पेपर में, चूंकि ओपन बुक में, वहाँ पे उन्होंने आर्गूमेंट ये दिया था कि टैक्स के पेपर में कोड ऑफ एथिक्स हम मैनुअली जब पेपर होते थे ना, फिजिकली पेपर होते तब भी अलाउ नहीं करते थे, तो इसीलिए अब भी प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। लेकिन ऑडिट के पेपर में ISAs भी अलाउड होते हैं,
कोड ऑफ एथिक्स भी। इसलिए मेरा ओपिनियन मेरा ये है कि प्रोबेबली इस पेपर में आपको ISS के साथ साथ कोड ऑफ एथिक्स भी अवेलेबल होंगे। अगर कोड ऑफ एथिक्स भी अवेलेबल होते हैं, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा कोड ऑफ एथिक्स में, ठीक है। पर्सनली मेरा ये ख्याल है कि ISS की नस्बत कोड ऑफ एथिक्स का अवेलेबल होना ज़्यादा अहम है एग्ज़ाम में। उसमें चूँकि सिचुएशन होती है ना, सिचुएशन सर्च करना आसान हो जाता है, वरना वहाँ पे ढूंढते रहते हैं, एक पेज के ऊपर जाना पड़ता है, उसमें लिस्ट पढ़नी पड़ती है, फिर वहाँ से आगे सब पेज पे जाना पड़ता है। तो कोड ऑफ एथिक्स का अवेलेबल होना मेरा ख्याल है ज़्यादा ज़रूरी और अहम होगा बनिस्बत ISS के। फिजिकल कॉपी, क्वेश्चन पेपर, बुक्स नॉट अलाउड। फिजिकल कॉपी कोई नहीं मिलनी, जो मिलेगा उधर क्वेश्चन पेपर ऊपर ही होगा। अब एक और चीज़ जो, अब जाहिर है जब वो डेमो आएगा तो फिर ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्या क्वेश्चन पेपर के ऊपर हाईलाइट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अलहदा से जो आई के आपने रिसोर्सेज दिए उनके ऊपर तो हाईलाइट नहीं कर सकते क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के ऊपर हाईलाइटिंग की इजाज़त होना मेरा ख्याल है इंतहाई ज़रूरी है, वरना मुश्किल होता है। क्योंकि हम हमेशा पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, प्लान करते हैं अहम चीज़ें क्या है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं। प्लानिंग फिर थोड़ी सी हमें चेंज करनी पड़ेगी, हाईलाइट जैसे ना पेपर होता है ना, पढ़ते हैं हाईलाइट करते हैं ना, क्या अगर मैं आपको हाईलाइट किए बगैर कहूँ पेपर पढ़ लो फिर डिसाइड करो क्या लिखना है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब हम हाईलाइट कर रहे होते हैं तो उसके अहम पार्ट्स को अलहदा कर रहे होते हैं। क्वेश्चन पेपर के ऊपर देखें, जो दूसरे रिसोर्स है ना ISS, उसके ऊपर हाईलाइटिंग नहीं है, ये क्लियर आई क्या आपने बता दी। क्वेश्चन पेपर के ऊपर है या नहीं ये अब देखना पड़ेगा, जब आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन आप बेफिक्र रहें, क्वेश्चन पेपर की हाईलाइट करने की इजाज़त नहीं भी देता ना, फिर भी अल्टरनेट स्ट्रेटजी है हमारे पास कि उसको फिर किस तरीके से हमने रीड करते हुए एनालिसिस करना है। लेकिन अगर आई कैप की तरफ से ये ऑप्शन आ जाते तो ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल जब आएगी उसके साथ मैं स्ट्रेटजी शेयर करूँगा कि क्या करना है फर्दर। अच्छा, एक चीज़ और अहम चीज़ थी वो मैं भूल ना जाऊँ। आई कैप ने यह कहा है कि नॉर्मल जब पेपर होता था वो होता था 3 घंटे का, एडिशनल रीडिंग टाइम दिया जाता था 15 मिनट। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपको 15 मिनट मज़ीद दिए जाएंगे, तो टोटल टाइम बन जाएगा 3.5 घंटे। और आप जो रीडिंग टाइम है ना, स्टार्ट से ही लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन के दरमियान में उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उन्होंने बड़ी एक फेवर दी है। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की, प्रेजेंटेशन के दरमियान में ये फॉर्मेट है, ये आगे पीछे कर रहे थे प्लस माइनस, तो जब मैंने देखा आप एक दफ़ा इसको एरो को क्लिक करते हैं ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले वो बफरिंग सी होती है, वो मैंने कैलकुलेट किया, काउंट किया, वो कुछ सेकंड ले लेती है, 4-5 सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने आगे पीछे क्वेश्चन को करना है तो आपका नॉर्मल लॉस भी होगा। तो प्रोबेबली जो 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया है ना, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो कोई एक्स्ट्रा फेवर नहीं है, वो सिर्फ उस नॉर्मल लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को मूव करने में सॉफ्टवेयर टाइम ले रहा है, उस टाइम को कंपनसेट करने के लिए प्रोबेबली है। तो इसलिए आपकी जो प्लानिंग होगी वो उसी तरीके से रहेगी कि कितने नंबर के क्वेश्चन को कितने टाइम में करना है। आप 3.25 घंटे का पेपर ही समझे, 3.5 घंटे का ना समझिए। फिर कह रहा है कॉपिंग डाटा फ्रॉम स्प्रेड शीट इज अलाउड, यानी जो आपने वर्किंग की है उसको आपने अपने आंसर पैनल में पेस्ट कर, और मैंने बताया लाजमी पेस्ट करना, ये ना वर्किंग सारे नीचे की और आप उधर भूल जाएं। ओके, रिस्क असेसमेंट क्या है आपके जी, ये रेशो है, और नीचे रेशो कैलकुलेट किया और अटैच करना भूल जाए। जैसे बात का होता ना MCQs में, कुछ बच्चे वो कैफ और क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक करके आ जाते हैं, फिर कहते हैं क्वेश्चन पेपर तो लिया नहीं। ये स्प्रेडशीट आपके आंसर का हिस्सा करंटली नहीं है। आई कैप कह रहा है कि हम बात करेंगे और हो सकता है इन फ्यूचर इसको इंटीग्रेट करें आंसर पैनल के साथ। करंटली स्प्रेडशीट आपके आंसर का हिस्सा नहीं है। जब आप लॉग आउट होंगे तो आपका कौन सा हिस्सा उस पेपर चेकर के पास जाएगा, सिर्फ आंसर पैनल वाला जो राइट टॉप वाला था। PDF से कॉपी करना अलाउड नहीं है, यानी अगर उसने ISS आपको दे दी है, आपने सर्च कर भी लिया है, रेलिवेंट पैराग्राफ पे पहुंच भी है, फर्ज कीजिए उसने कहा ये डेफिनेशन इसको रिप्रोड्यूस कर दो, कहेगा नहीं, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा, डॉक्यूमेंट पे गए, डेफिनेशन पे पहुंच गए, अब क्या करें, कॉपी पेस्ट कर दें क्या, नहीं, खुद टाइप करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट से कॉपी पे। स्प्रेडशीट से कॉपी करके आंसर पैनल में पेस्ट हो सकता है,
अलहदा जो पीडीएफ होंगी इनसे कॉपी करके आंसर पैनल में पेस्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, आंसर पैनल ऑटोमेटिकली सेव आफ्टर ईच मिनट, ठीक है। और जब आप बैक या फॉरवर्ड का बटन प्रेस करेंगे क्वेश्चन के दरमियान में, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में मूव करने के लिए, तब भी वो सेव हो जाएगा। खुद से कंट्रोल एस मेरा ख्याल है कि नहीं कर सकते, इसे मुझे ये समझ आइए। खुद से कंट्रोल एस सिस्टम ही सेव करेगा, और किन किन पॉइंट्स पे करेगा, एक मिनट के बाद या जब फॉरवर्ड या बैकवर्ड होंगे। क्लोजिंग ब्राउजर विल नॉट, ये मैं आपके साथ शेयर कर दिया कि अगर कभी एक्सीडेंटली ब्राउजर क्लोज हो जाता है तो ये ना समझेगा पेपर सबमिट हो गया, नो, दोबारा ये कनेक्ट भी, दो क्वेश्चन रहते हैं मेरे, अटेम्प्ट करें, एंड पे लॉग आउट करेंगे, फिर पेपर आपका सेव होकर जाएगा। फंक्शन कीज अवेलेबल नहीं है, F1, F2, F3, F4 अवेलेबल नहीं, वरना F1 पर हेल्प है ना, हेल्प ले सकते थे हम। अब क्या करना है? नहीं, सीखना पड़ेगा, फंक्शन की कोई भी नहीं चलेगी। वो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं एक्सेल में आदत होनी है F2 करके फार्मूला लिखने की, तो F2 की फंक्शन की इस सॉफ्टवेयर में नहीं चलेगी कोई भी। करंटली कह रहा स्प्रेडशीट पार्ट नहीं आंसर का, आपको जो भी स्प्रेडशीट में वर्किंग की है, नंबर वन आपको कॉपी करके पेस्ट करनी पड़ेगी आंसर पैनल में, और नंबर टू उसकी बेसिक फॉर्मेटिंग भी खुद करनी पड़ेगी। बेसिक फॉर्मेटिंग है, लाइन लेंथ वगैरह एडजस्ट करना चाहते हो तो। नेक्स्ट आया मल्टीपल टैब्स यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करने के लिए। ISS को एक्सेस दिया ICAP ने हमें, ओपन करके देखना चाहते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर इधर खुला है, ISS दूसरे टैब पे खोल लें, कोड ऑफ एथिक्स तीसरे टैब पे खोल लें, ठीक है। डिफरेंट टैब्स अवेलेबल होंगे, उन पे आप डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन फिर से बता दूं दूसरी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते किसी। ब्लैंक पेज पेंसिल वगैरह की इजाज़त नहीं होगी साथ लेके जाने की, कैलकुलेटर कहते हैं ले जाए साथ, लेकिन कॉपी पेंसिल साथ लेके नहीं जाना, कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है, एक्सेल आपके पास है, एक्सेल बहरहाल चाहे एक समझ लीजिए एक बेसिक लेवल की एक्सेल है, स्प्रेडशीट है, लेकिन बहरहाल कैलकुलेटर से फिर भी बहुत आगे है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोई, ये तो खैर जनरल रूल है, इसका कंप्यूटर एग्जामिनेशन से ताल्लुक नहीं है। ICAP की पहले भी हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि ICAP का जो पैटर्न है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एग्जामिनेशन सिस्टम में। हाँ, और आपके लिए एडवाइस क्या है, ये सारी चीज़ सीखने के बाद मॉक लाजमी देना है। ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो इस अटेम्प्ट में समर 24 में पेपर देने जा रहे हैं, मॉक लाजमी 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 दीजिएगा, ठीक है। एक दफ़ा उस सिस्टम से गुजरा हो ना बंदा, चाहे सारी चीज़ें पहले से पता थी, लेकिन एक दफ़ा उस सिस्टम में गुजर जाए ना, कॉन्फिडेंस थोड़ा डिफरेंट होता है, फेमिलियर हो जाता है बंदा, कॉन्फिडेंट फील करता है। ये जी थी हमारी ओरिएंटेशन, जिसमें थोड़ा हिस्सा हमने ये डिस्कस किया कि पढ़ेंगे कैसे, पढ़ाएंगे कैसे, और ज़्यादा हिस्सा हमने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के ऊपर डिस्कस किया। हाँ, कंप्यूटर्स आपने आज से ही टाइपिंग शुरू कर देनी है, इवन कल के लेक्चर के बाद जो अगर आपको कोई क्वेश्चन या होम असाइनमेंट दी जाती है वो भी कंप्यूटर बेस्ड ही होगी, ठीक है जी। यहाँ पे हमारी इस ओरिएंटेशन का एंड है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन ध्यान में आ रहा हो, आंसर गलत आ गया अगर किसी वजह से, लेकिन वर्किंग ठीक है, आपने वर्किंग पेस्ट की हुई है, वर्किंग के मार्क्स मिलेंगे जैसा पहले होता है। देखिए बाकी के जो रूल्स हैं ना वो वैसे ही हैं जैसे हमारे नॉर्मल सिस्टम में, ठीक जी। नहीं, वही मैंने कहा अगर आपने वर्किंग कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर दी है तो फिर उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन अगर वर्किंग स्प्रेडशीट में ही है और आपने ऊपर आंसर पैनल में उसको पेस्ट नहीं किया तो करंटली जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है जैसा कन्फिगर हुआ हुआ है वो वर्क की स्प्रेडशीट की वर्किंग अगर उधर ही है आंसर पैनल में नहीं है वो आपके आंसर का ऐसा नहीं समझी जाएगी, वो पेपर चेकर के पास जाएगी नहीं, उसके पास तो सिर्फ आपका वो जो वर्ड टाइप का एरिया ना वही जाएगा, तो वर्किंग लाजमी पेस्ट करते हैं। कैपिटल होना चाहिए कुछ वर्ड्स को, अंडरलाइनिंग, बोल्ड, इस तरह की चीज़ों से, स्पेल चेक, स्पेलिंग एरर है, इस तरह की चीज़ों से, गलतियों से मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए जी 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 जी
हाँ, क्या पिछले क्वेश्चन में कोई एडिट करना चाहते हैं? एडिट करना कर सक बिल्कुल कर सकते हैं एडिट। आप पिछले क्वेश्चन पे जाइए, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको एक्सेस करके चेंज कर सकते हैं। जब आप उस जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पे, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे सामने, उसमें मैं जहां चेंज करना चाहूँ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, वो एडिटेबल है। मतलब सेव होने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको एडिट नहीं कर सकते, एडिट कर सकते हैं। जब तक कि आप उसको लॉग आउट नहीं करते पेपर को, तब तक एडिट कर सकते हैं, पेपर आपके हाथ में। जी और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। जी जी डेली 2 घंटे ने कहा था सीफ में, अगर आप 2 घंटे भी पढ़ लें तो बहुत है। ये 2 घंटे डेली, नहीं नहीं इंडिविजुअल नहीं, ओवरऑल के लिए कह रहा हूँ। इंडिविजुअल के लिए 2 घंटे हो गए, फिर इसका मतलब है आपकी फॉर्म फारे का यहाँ फारे का, आपको इतना टाइम नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन ये आपने ना देखें, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चलना है। हम अपने मैं खुद आर्टिकल से गुजरा, मुझे अंदाज़ा है कि फॉर्म में हमारा बाजुकात इतनी टेंशन पे होती है। जब आपको 15 मिनट पढ़ाई के लिए मिलते हैं, पढ़ाई की दूर की बात है, आप घर से निकलते हैं, घर वाले सोए होते हैं, घर वापस जाते हैं, घर वाले सोए होते हैं, वो बहुत से दिन इस तरह भी चलते हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो उसमें ज़ाहिर है 10-15 दिन हर 3 महीने में ऐसे होते हैं जिनमें शायद आप स्टडीज़ ना कर सकें, लेकिन नॉर्मल डेज़ में हमारे दिन का बहुत सा ऐसा हिस्सा होता है जो हम इधर उधर की बातों में सर्च करते हुए मोबाइल पे ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ, उस हिस्से को, वो हिस्सा कीमती है, वो 10 मिनट क्यों ना हो, उस हिस्से को यूटिलाइज करना सीखें और उसको पढ़ाई में इस्तेमाल करें। ये आपके लिए कंपेटिटिव एज होगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट ऐसा कर रहे होंगे उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा। और ये मैं आपको एक और बात बताऊँ, एक टिप्पणी की हैसियत से, दिन के एंड पे 2 घंटे पढ़ लेना एक ऑप्शन अगर आप मुझे ये दें, और एक ऑप्शन ये दें सर दिन में हर घंटे 2 घंटे बाद 10-15 मिनट पढ़ लेना, तो हर घंटे 2 घंटे बाद 10-15 मिनट पढ़ लेना, 5 मिनट पढ़ लेना, इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। हमारा माइंड ना प्रोसेसिंग करता है चीज़ों को, रिटेन करता है, समझता है, एनालिसिस करता है। तो अगर आप बिट साइज इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेंगे ना, रिटेन करेंगे, ये ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंट अप्रोच होगी। तो इसीलिए कोशिश भी ये करें कि दिन के एंड पे 2 घंटे पढ़ लें, वो भी ठीक है, लेकिन उसकी बजाय अगर आप दरमियान में कहीं पे 2-3 घंटे के बाद टाइम मिल, ऑफिस में टाइम मिल जाता है, इवन जॉब में भी टाइम मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम ऐसी बात नहीं है कि टाइम नहीं मिलेगा, टाइम ज़रूर आपको मिलेगा, आपने उसको ज़ाया नहीं करना। कोई चीज़ रिव्यू कर लें, कोई पेज अपने पास रखें। मैं जब स्टूडेंट था, कुछ अहम चीज़ें नोट करके ना, पूरी पूरी किताब, अहम चीज़ें करके सभा मेरी जेब में होता था, वो मैनेजर या पार्टनर को पता भी, किताब लेके जाएंगे ना उधर बैठ, किताब नहीं ऑफिस में खोलनी आपने, या क्लाइंट पे किताब नहीं लेके जानी, किताब नहीं खोलनी, किताब खोलेंगे ना इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। क्या करें, कंप्यूटर के अंदर ही वर्ड की फाइल है, PDF ओपन करें, मोबाइल के अंदर रख लें, या इवन पॉकेट में रख लें, थोड़ा सा टाइम मिला देख लिया उसको एक नज़र, रिवाइज कर लिया, अच्छा ये स्टैंडर्ड है, ये 200 ये कंसेप्ट है इसके, ये इसका माइंड मैप, अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे बन कंसेप्ट, इस टाइम यूटिलाइज करना सीखें, वरना आपकी तैयारी नहीं होगी। अगर आप ये अक्सर स्टूडेंट इस अप्रोच के साथ आते हैं, सर क्लासेस ले लेते हैं हम, तैयारी आ रही महीने करेंगे जब फॉर्म से छुट्टियां मिलेगी, वो नहीं हो पाती। इसीलिए आपने तैयारी साथ साथ ही करनी है, आखिरी तैयारी के लिए, रिवीजन के लिए होना चाहिए। क्लियर जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए मेरा फिर आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं हम। ठीक है, कल से इंशाल्लाह हम स्टैंडर्ड की तरफ चलेंगे, सिलेबस शेयर करूँगा कल आपके साथ। कल का प्लान हमारा ये होगा, आपके साथ पूरा सिलेबस शेयर करूँगा। सिलेबस कल शाम तक अपलोडेड नहीं था, आज फिर चेक करूँगा, अगर आईकैक का सिलेबस आ चुका हुआ तो जो समर 24 के सिलेबस के लिहाज से कल शेयर करूँगा चीज़ें, वरना प्रोविजनली पिछली प्रीवियस सिलेबस के लिहाज से चेंज करूँ, उम्मीद है वही होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगी। ठीक है, चेंज बहरहाल लाजमी भी नहीं होता स्टार्ट में, या बाजुकात मिड ऑफ द सेशन भी आती रहती है। तो बहरहाल अगर सिलेबस अभी तक आईकैप ने शेयर नहीं किया हुआ, तो हम प्रोविजनल सिलेबस की बेस पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, चेंजेस अगर कोई दरमियान में आती है मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूँगा। ठीक है जी, आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।